नमो नमः मित्रों, ई लर्निंग विद दुर्गेश चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं सुदर्शन सर आप लोग को बचे हुए शिक्षण आज पढ़ाएंगे। हम लोग अध्ययन करेंगे, मिल करके अध्ययन करेंगे। सीटेड मुख्य बिंदुओं को जो है हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे सीटेट में कैसे आता है। बाकी हमने पाठशाला प्राचीन विधि जो था वो पाठशाला विधि जो था, जो उनमें सारे विधियाँ थी, हम लोग मिल करके अध्ययन किए। उसमें काफ़ी प्रश्न आपके सीटेट में मिलेगा ज़रूर। और इसमें भी जो दूसरा है जो शिक्षण विधि के त्रय रूपम भवती, यानी तीन रूप था, तो तीन रूपों में मैंने एक समाप्त कर दिया, दूसरा मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है नवीन विधि। और नवीन विधि या उसको कह सकते हैं अर्वाचीन विधि। चलते हैं हम लोग के अध्ययन करते हैं। अब अर्वाचीन विधि यानी कह रहे नवीन विधि या नवीन विधिया या अर्वाचीन विधि, नाम दोनों है, चाहे अर्वाचीन विधि कहिए और चाहे नवीन विधि कहिए, चाहे नवीन विधि कहिए चाहे अर्वाचीन विधि कहिए, वो एक ही होता है। और कह रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले महाभाग भारत नी लॉर्ड मैकाले महाभाग भारत भारत आग महाभाग भारत आगमनांतर 1835 प्रचलितम शिक्षण विधि नवीन कथ्यते। लॉर्ड मैकाले के आगमनांतर, भारत आगमनांतर यानी भारत में आगमनांतर आने से पूर्व ही 1835 ईस्वी में यह प्रचलित शिक्षण विधि था। और शिक्षण विधि नवीन कथ्यते, ये शिक्षण विधि को नवीन विधि कहा जाता था। अब विधियां हैं इनके, लॉर्ड मैकाले 1835 से जब भारत आया था, भारत आने से पहले मैकाले अठारह भारत आने के बाद ये लॉर्ड मैकाले के आने के भारत आने के बाद जो 1835 ईस्वी में आए थे और 1835 जो भारत में आगमन हुआ था, उसके बाद जो है यह विधि प्रचलित था। और ये इसको नवीन कथ्यते है, यानी इस शिक्षण विधि को नवीन कथ्यते है, नवीन विधि कही जाती थी या तो जो है अर्वाचीन विधि कही जाती थी 1835 ईस्वी में। और लॉर्ड मैकाले भारत आगमनांतर यानी भारत आने के बाद जो है यह विधि प्रचलित थी। और इसकी विधियाँ कौन कौन सी थी, यानी ये आपके नवीन विधि और प्राचीन विधि की जो विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ थी, क्रमशः एक एक विधियाँ को हम लोग अध्ययन करेंगे मिल करके। और इसी अध्ययन और ये भी देखेंगे कौन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विशेषता क्या है और शिक्षण विधि में इसका क्यों प्रयोग में लाया गया था और ये विधियाँ कैसी हैं, तो हम लोग साथ में अध्ययन करते हैं। ये पहला विधि है आपका जो है पाठ पुस्तक विधि, और दूसरा विधि है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा है विश्लेषणात्मक विधि, चौथा आपका हरवटी ये पंचपदी है प्रणाली यानी विधियाँ, और छठवां पांचवा है मूल्यांकन विधि, और संरचनात्मक या उपागम विधि भी कहा जाता है। ये था आपके जो है ये आपके थे नवीन विधि के जो विधियाँ थी, नवीन शिक्षण विधि के जो विधियाँ थी वो क्रम से हमने आप लोग को बता दिया। इसमें क्या करें कि पाठ पुस्तकम विधि और प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि और हरवटी पंचपदी विधि और मूल्यांकन विधि और संरचनात्मक उपागम विधि, ये था आपके नवीन अर्वाचीन विधियों का। अब हम एक एक के ले करके पढ़ते हैं और एक एक हम लोग मिल करके अध्ययन करते हैं। पाठपुस्तक विधि सबसे पहले चलते हैं, पाठपुस्तक विधि में पाठपुस्तक विधि को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम पाठपुस्तक विधि को लेकर चलते हैं, अब उसके बाद हम चलेंगे प्रत्यक्ष विधि की ओर, उसके बाद हम विश्लेषणात्मक विधि की ओर, उसके बाद हरवटी पंचपदी की विधि की ओर और मूल्यांकन विधि की ओर और संरचनात्मक विधि उपागम विधि की ओर, और ये सब हम क्रमशः हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करके ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयत्न करेंगे। और
चलते हैं सबसे पहले पाठपुस्तक विधि। ये पाठपुस्तक विधि कह रहे हैं कि इदम विधि अस्य प्रवर्तके अस्य अस्य प्रवर्तक डॉक्टर बेस्ट महोदय कह रहे हैं, डॉक्टर बेस्ट महोदय यानी इसके प्रवर्तक कौन थे, डॉक्टर बेस्ट महोदय। अरे अस्य प्रवर्तक अस्य माने इसके, इसके कौन, इसके हो गए पाठपुस्तक विधि, और प्रवर्तक डॉक्टर बिष्ट महोदय। अगर पूछा जाए कि पाठपुस्तक विधि के प्रवर्तक कौन है तो आप जरूर इसको लगाइएगा, लिख लीजिएगा, और कब आप भविष्य में भी आपको काम देगा, और हर एग्जाम में जो यूपीटेट हो या सीटेट हो उसमें भी पूछ सकता है, और सीटेट में भी पूछ सकता है, ये सेल यानी आपके विषय वस्तु में है तो जरूर कहीं ना कहीं आप पूछेगा जरूर। तो जो आपके विषय वस्तु में है वो सारे चीज़ों को हम पढ़ाएंगे आप, हम लोग भी अध्ययन करेंगे, सब मिल करके अध्ययन करेंगे। और ये अस्य प्रवर्तक डॉक्टर बिष्ट महोदय है, इसी के इस शिक्षण विधि यानी पाठ पुस्तक विधि के प्रवर्तक अगर कहा माना जाए तो बेस्ट महोदय जी हैं। और इनको क्रमशः हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके पाठपुस्तक विधि को ये पढ़ते हैं एक एक करके। इदम माने यह, इदम शिक्षणा सी छड़ा नाम, इदम शिक्षणा नाम कौशल कौशल आधारितमस, इदम से पहली विशेषता ये है पाठपुस्तक विधि का, सबसे पहली विशेषता ये है, ध्यान दीजिएगा और कंठस्थ करिएगा, इदम शिक्षणा नाम कौशलम आधारित अस्ति ही, यानी ये मैं मुख्य बिंदु कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अंक लाएँ, ये परीक्षा के दृष्टि से ही है। जान लीजिए मैं पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, ये कह रहे हैं इदम शिक्षणा नाम कौशलम आधारितम अस्ति, इदम माने होता है यह कौन, यह पाठपुस्तक विधि, यानी यह कौन, यह पाठपुस्तक विधि शिक्षण है, पाठपुस्तक विधि शिक्षणा नाम कौशलम आधारित, जो शिक्षण होता है वो कौशल पर आधारित होता है, कौशल पर आधारित होता है, कौशल कितने हैं, चत्वारी यानी चार कौशल होते हैं, आप लोग पढ़ चुके भी होंगे, लेकिन आगे हम पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन कहीं अध्ययन आप लोग किए होंगे तो ज़रूर उसको करें कि कौशल कितने होते हैं, कि कौशल चार होते हैं, एक कौशल होता है श्रवण और भाषण, अगला है पठन, अगला है लेखन, ये चार कौशल है, चत्वार कौशल है, श्रवण भाषण पठन लेखन, और ये पर जो है ये पाठपुस्तक यानी करें इदम शिक्षण यानी ये जो शिक्षण है ये इसके माध्यम से अगर कोई अध्यापक शिक्षण कार्य करता है तो ये शिक्षण जो है कष्ट पर आधारित है, कौशल पर आधारित है, यानी चार कौशल होते हैं भाषा कौशल के, जो श्रवण है भाषण है पठन है लेखन है। अब इस थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग भी जान लेते हैं, लेकिन आगामी जो आगे हम पढ़ाएंगे जब कौशल पढ़ाएंगे उसमें हम विस्तार रूप से आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान देना है कि श्रवण सूर्यताम अर्थ ग्रहणम यानी सुन करके अर्थ ग्रहण करेगा, भाषणम यानी करें कि मौखिका अभिव्यक्ति, और पठित्वा अर्थ ग्रहणम लिखिता अभिव्यक्ति,
यानी कह रहे हैं कि श्रवण करके अर्थ को ग्रहण करना और भाषण मौखिका अभिव्यक्ति मुख्य द्वारा अपने अभिव्यक्त कर देना, पठित्वा अर्थ ग्रहणम यानी पढ़ करके अर्थ को ग्रहण कर देना, लिखिता अभिव्यक्ति यानी लिख करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देना। और तभी ये कर सकता है बच्चा, तभी ये शिक्षार्थी तभी ये कर सकता है जब शिक्षक का भाषण या भाषा कौशल जो भाषा हो यानी वो प्रभावशाली हो। जब भाषा प्रभावशाली नहीं होगा, शिक्षण उसका रुचिकर नहीं होगा तो वो सुनेगा भी नहीं। जब सुनेगा भी नहीं तो भाषा वो कहेगा भी नहीं, अभिव्यक्ति करें कि मौखिक अभिव्यक्ति मुख्य द्वारा अपने अभिव्यक्ति भी नहीं करेगा और फिर पढ़ेगा भी नहीं और लिखेगा भी नहीं। यानी कहते हैं कि जब तक यानी एक शिक्षक के अंदर भी ये गुण होना चाहिए और यही गुण जो है ये चारों कौशल यानी किस पर, यानी चारों कौशल पाठ पुस्तक विधि पर ही आधारित है, यानी पाठ पुस्तक पर ही आधारित है। पठन करें कि श्रवण भाषण पठन लेखन, यानी कहते हैं कि ये जो चारों कौशल है ये जो पाठ पुस्तक पर आधारित है, इनका ये शिक्षण जो है किस पर आधारित है, ये जो है चारों कौशलों पर आधारित है और आधारित है। इसके माध्यम से अगर शिक्षण कार्य करता है तो जो उसका पाठ्यक्रम होगा, जो उसका शिक्षण होगा वो प्रभावशाली होगा। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो नहीं होगा और तो प्रभावशाली उसका शिक्षण हो ही नहीं सकता। और यह है पाठ पुस्तक विधि में जो पहला है आपका, वो जो है इस पर पाठ पुस्तक विधि जो है इन चारों कौशलों पर ही, इनका शिक्षण चारों कौशलों पर आधारित है। सुनने की बात सुनता तो है, सारे लोग सुनते हैं और सुन करके जो अर्थ ग्रहण, यानी सुनना कई प्रकार के होते हैं, सुनते हैं घर निकाल देते हैं, लेकिन सुन करके जो अर्थ ग्रहण करते हैं उसको सुनना कहते हैं। जब वो अर्थ ग्रहण कर लेंगे शिक्षार्थी, अगर वो अर्थ को ग्रहण कर लेगा और अर्थ को ग्रहण करने के बाद जब अर्थ ग्रहण कर लेगा तो वो जो है भाषण देने के मौखिक अभिव्यक्ति अपने मुख के द्वारा अभिव्यक्त भी करना चाहेगा और उसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति करना चाहेगा तो उसके बाद भी वो जो है जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको फिर से पढ़ना भी चाहेगा। पठित्वा अर्थ ग्रहणम यानी पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करेगा। अब फिर उसके बाद लेखन, अंतिम कौशल है लेखन करें कि तब उसको अंतिम रूप देगा लेखिका अभिव्यक्ति, लिखिता अभिव्यक्ति यानी लिख करके अभिव्यक्ति कर देना, ये कौशल था। और कह रहे हैं कि पाठ पुस्तक की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता ये है कि ये इदम शिक्षणा नाम कौशल में आधारित अस्ति, यानी कह रहे हैं कि यह शिक्षण कौशल यानी यह पाठ पुस्तक विधि शिक्षण कौशल पर आधारित, इसका शिक्षण कौशल पर आधारित होता है, चारों कौशलों पर आधारित है। ये पहला मुख्य बिंदु था, ये आ गया समझ में। अब इसको मिटाते हैं और फिर आगे चलते हैं। और इसके मुख्य बिंदु अगर पूछ दे कि मतलब भाषा कौशल पर आधारित पाठ विधि, कौशल आधारित पर शिक्षण विधि है तो वो होगा आपका पाठ पुस्तक विधि, जान ध्यान दीजिएगा। और मैं फिर से आपको पुनः बता देता हूँ कि ये जो है कह रहे हैं कि सूत्र विधि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है कि बड़ी सी बड़ी चीज़ों को छोटा कर देना, इसी के अकॉर्डिंग हम ले इसी के माध्यम से हम आपको लेके चलते हैं। जो अर्थ को जानते होंगे ज़रूर से इसका अच्छा आंसर, अच्छा उसका परिणाम होगा, जो सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा और अच्छा अंक भी लाएगा वो व्यक्ति और शिक्षा संस्कृत शिक्षण में अधिक से अधिक अंक पाएगा। अब चलते हैं, दूसरा है आपका जो है कहते हैं संचित हो नियमतः यानी संयोजित। अभी दूसरा आपका है, एक दूसरा है इदम मनोवैज्ञानिक विधि अस्ति, इदम मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक यह मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। और कह रहे हैं ये पाठ पुस्तक किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक विधि अस्ति। यह विधि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। और कौन विधि अगर करें मनोवैज्ञानिक पर आधारित कौन सी विधि है तो ये आपका पाठ पुस्तक विधि, आप इसको स्पष्ट रूप से कहिएगा। ये विधि पाठ पुस्तक से जो शिक्षण विधि है ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है और मनोवैज्ञानिक के तौर पर ये जो है शिक्षण कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। और अगला है आपका यम विधि सुनियोजित नियमित होगा, कह रहे हैं कि इदम विधि ही सुनियोजित
इदम विधि सुनियोजित सुनियोजित नियम नियम तो अस्ति। ये आपका ये विधि है, ये कहते हैं कि यानी पाठ्यपुस्तक विधि, इदम विधि सुनियोजित और नियमित हो अस्ति, यानी यह विधि जो है कहने हैं कि सुनियोजित और नियमित है, यानी ये विधि सुनियोजित और नियमित है। दूसरा अगला पॉइंट है, कौन सी विधि सुनियोजित और नियमित होता है? ये होता है सुनियोजित और नियमित, आपका इदम विधि सुनियोजित और नियमतो अस्ति, यानी नियमतो अस्ति, सुनियोजित नियमतो अस्ति, सुनियोजित नियम अस्ति, यानी यह विधि कौन? पाठ पुस्तक विधि। यह पाठ पुस्तक विधि सुनियोजित होता है, सुंदर नियोजित होता है, सुमाने होता है सुंदर, और सुंदर नियोजित और नियमित होता है पाठ पुस्तक विधि। कह रहे हैं कि पहले उस सुंदर ढंग से जो है उसको नियोजित करते हैं, तब जा कर के उस शिक्षण कार्य करते हैं। ऐसा सिर्फ पाठ्यपुस्तक शिक्षण विधि में ही होता है। और अगला है आपका अस्मिन विधि शिक्षकस्य अस्मिन विधि शिक्षकस्य, यानी इसमें जो है इस पाठ पुस्तक में शिक्षक की भूमिका न्यूनम होता है। न्यूनम माने होता है कि कम होता है, न्यूनम यानी कह रहे हैं शिक्षकस्य भूमिका न्यूनम भवति। कहते हैं कि इस पाठ्यपुस्तक शिक्षण विधि में अस्मिन विधि शिक्षकस्य भूमिका न्यूनम भवति, यानी कहते हैं कह रहे हैं कि पाठ्यपुस्तक विधि में जो विधियां होती हैं, अस्मिन विधि, अस्मिन माने इस विधि, इस अस्मिन माने होता है इस विधि में, अर्थात कौन सी विधि? पाठ्यपुस्तक विधि में जो शिक्षक की भूमिका होती है बहुत ही कम होती है, होती है लेकिन बहुत कम ही होती है। इसमें पाठ्यपुस्तक की भूमिका बहुत अधिक होती है, और पाठ्यपुस्तक विधि कह रहे हैं कि अस्मिन विधि शिक्षक भूमिका न्यूनम भवति, न्यूनम माने होता है कम, और भवति माने होता है, होता है, न्यूनम यानी कह रहे हैं कि न्यूनम माने बहुत कम होता है, भवत माने होता है, और शिक्षकस्य यानी शिक्षक की भूमिका विधि, यानी शिक्षक की भूमिका बहुत ही पाठ्यपुस्तक में बहुत ही कम होता है। अगर पूछ दिए कि किस शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका बहुत कम होती है, तो पाठ्यपुस्तक में आपकी शिक्षक की भूमिका बहुत कम होती है। तो आपने पढ़ लिए, फिर पुनः हमने कह रहे हैं कि देखिए मुख्य बिंदु है, ये जो पाठ्यपुस्तक विधि है वो कौशल पर आधारित होती है, और यह जो है यह विधि जो पाठ्यपुस्तक है वो मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित होती है। और ये जो आपका कहते हैं कि यह विधि कैसी है कि ये सुनियोजित और नियमित होती है, और कह रहे हैं कि अस विधि शिक्षकस्य भूमिका शिक्षकस्य भूमिका न्यूनम भवती, यानी इसमें जो है शिक्षक की भूमिका जो होती है वो न्यून होती है, न्यून मतलब होता है कम होता है, न्यूनम यानी कहते हैं न्यूनम यानी कहते हैं कि बहुत कम होती है शिक्षक की भूमिका। ये था आपका, आगे पूछते हैं कि नाना स्त्राणाम माध्यमेन पाठ्यपुस्तको, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। उधर जा रहे हैं ज्यादा, अच्छा हाँ यार।
करते हैं। अभी हमने कहा कि इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत कम होती है। मैंने क्रमशः अस्य प्रवर्तक डॉक्टर बिष्ट महोदय, इदम शिक्षण का नाम कौशल आधारित अस्ति और इदम मनोवैज्ञानिक विधि अस्ति, इदम विधि सुनियोजित नियमतो अस्ति। और आगे चलते नाना स्त्राणाम माध्यमेन पाठ वस्तु निर्माण क्रियते है, यानी कहते हैं नाना अनेक प्रकार के माध्यम से पाठ वस्तु निर्माण करते हैं, यानी पाठ वस्तु का निर्माण करते हैं। अरे नाना अस्त्राणाम माने होता है सोपान होता है, नाना अस्त्राणाम यानी सोपान होता है। करें कि अनेक सोपानों के माध्यम से पाठ वस्तु को निर्माण करते हैं। करें कि अध्याय इसमें पाठ इस शिक्षण विधि के माध्यम से इस शिक्षण की विधि के माध्यम से नाना स्त्राणाम माध्यमेन यानी इस सोपान से नाना यानी इस स्तर से इस शिक्षण विधि के अनेक सोपानों के माध्यम से पाठ वस्तु हो यानी पाठ वस्तु का निर्माण करते हैं, यानी एक शिक्षक पाठ वस्तु का निर्माण करता है। और करें अस विधि माध्यमेन स्वाध्याय प्रवृत्ति भवति, यानी इस विधि के माध्यम से शिक्षार्थी के अंदर स्वाध्याय यानी खुद का स्वयं अध्याय करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होता है, उसका विकास होता है। इस माध्यम से यदि शिक्षक अगर शिक्षण कार्य कर रहा है तो इसमें उस शिक्षण के माध्यम से शिक्षार्थी के अंदर स्वयं अध्याय करने का जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास होता है। ये हमने आप लोग को पढ़ाया क्रमशः और अस विधि मुख्य उद्देश्य है, मिटा दें उसके बाद हम लिखते हैं। इसी कड़ी में है अभी पाठ पुस्तक की जितने भी हमने आपको बताया, और इसको भी कंठस्थ करते रहिए, कंठस्थ करके याद करिए और अच्छा से अच्छा अंक लाए तभी बहुत खुशी होगी। और करें अस विधे मुख्य उद्देश्य है, यानी इस विधि का मुख्य उद्देश्य कह रहे हैं, इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस मुख्य उद्देश्य यत किंचित कारणेन छात्र विद्यालय ने कहते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई, हाँ ठीक, इधर से लिखे तो और दिखाई देगा। चलिए चलते हैं।
कह रहे हैं अस्विदो मुख्य उद्देश्य अत किंचित कारणेन छात्र विद्यालयनो उपस्थित तरी स्वयं अध्ययनम शक्नोति, अध्ययनम हो गया हाँ और अध्ययनम शक्नोति। कह रहे हैं अस्य विधि मुख्य उद्देश्य यानी इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, अत किंचित कारणे यानी जो किंचित कारण किसी कारण से, कह रहे हैं अत किंचित यानी इस विधि का मुख्य उद्देश्य कह रहे हैं किसी कारण से क्या रहे, छात्र विद्यालय न उपस्थिति, यदि अगर छात्र विद्यालय में उपस्थित न उपस्थितम उपस्थित नहीं उपस्थित हो सकता है तरही स्वयं अध्ययनम शक्नोति, अगर किसी कारण से छात्र शिक्षार्थी विद्यालय उपस्थित नहीं हो पा रहा है तरही स्वयं वह तरही वह स्वयं यानी अपने आप अध्ययनम शक्नोति यानी अध्ययन करने में सक्षम हो यानी कर सके यानी कर सके तो स्वयं अध्ययन कर सके, कह रहे हैं शक्नोति यानी स्वयं अध्ययन कर सके। अस्य विधयो मुख्य उद्देश्य है अति किंचित कारणेन जो किसी कारण से छात्र विद्यालय नो उपस्थितम यानी कह रहे छात्र विद्यालय अगर उपस्थित किसी कारण से छात्र विद्यालय में नहीं उपस्थित हो पा रहा है तरी स्वयं अध्ययनम शक्नोति यानी वह स्वयं अध्ययन कर सके, यानी ये शिक्षण विधि के माध्यम से ये भी शिक्षार्थियों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न है, अरे यदि किसी कारण से विद्यालय नहीं आ पा रहा है छात्र तो वो घर बैठ करके कहीं भी हो वो पढ़ने में सक्षम हो सके, यानी कह रहे हैं वो विद्यालय यदि न उपस्थित हो सके तो कहीं भी रहे या घर पर रहे तो वो अध्ययन करने में सक्षम हो बने यानी अध्ययन कर सके, तरही स्वयं अध्ययनम शक्नोति यानी अध्ययन कर सके। इस शिक्षण सूत्र के माध्यम इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, पाठ पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इसका इस पाठ विधि का जो पाठ पुस्तक विधि है पाठ पुस्तक जो शिक्षण विधि है इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अगर किसी कारण से विद्यार्थी शिक्षार्थी यदि विद्यालय आने में असमर्थ है तब वो स्वयं अध्ययनम शक्नोति यानी अध्ययन कर सके, यानी ऐसा उन्होंने अपने शिक्षण के माध्यम से बना दिए कि अगर वो विद्यालय में नहीं आ सकता है किसी कारण से अतकिंचित कारणेन यानी किसी कारण से यदि जो है वह विद्यालय में आने में असमर्थ है तो वो कहीं भी रहे अपने पाठ पुस्तक माध्यम से वो स्वयं अध्ययन कर सके, ऐसा शिक्षक अपने शिक्षण के शिक्षक को बनाता है कि स्वयं भी अध्ययन वो कर सके। ये तो आपका नवीन विधि का जो नवीन अर्वाचीन विधि था वो पाठ पुस्तक विधि था, ये था मुख्य मुख्य बिंदुओं को मैंने आपको बता दिया संक्षेप में और उस शब्द को बता दिया कि जो आने की अधिक संभावना होती है, मैं व्याख्यात्मक रूप से मैंने नहीं चला है और चलते हैं आगे। अब चलता है आपका प्रत्यक्ष विधि, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ब्लैक बोर्ड पे जो लिख, चलिए फिर से पुनः पारायण कर लेते हैं, फिर से पुनः अध्ययन कर लेते हैं। कह रहे हैं प्रत्यक्ष विधि यानी आप पहले आप पाठ पुस्तक विधि को बेखूबी आपने पढ़ा और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। अब उसके बाद प्रत्यक्ष विधि मैंने जो प्रत्यक्ष है कह रहे हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, वी बोकिल और महाभाग विधि प्रवर्तक है यो प्रसिद्ध, यानी इस विधि के प्रवर्तक कौन है, बोकिल महाभाग विधि प्रवर्तक है यानी इस विधि के प्रवर्तक प्रसिद्ध है। अब अगर पूछता है तो पाठ पुस्तक विधि का हमने बेस्ट को बताया और इनको वी बोकिल को जिसके प्रवर्तक प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक हैं और इसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत शिक्षणम इदम सर्वश्रेष्ठम विधिर अस्ति, संस्कृत शिक्षणम इदम सर्वश्रेष्ठ शिक्षण से भवति यानी संस्कृत शिक्षण में यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि कही जाती है। संस्कृत शिक्षणम इदम सर्वश्रेष्ठ, इदम माने यह विधि कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति ही यानी सर्वश्रेष्ठ विधि कही जाती है। अब विशेष ध्यान दीजिएगा संस्कृत में शिक्षण मतलब कोई अभी तक पढ़ाया नहीं है संस्कृत में और संस्कृत में थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होती होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन बार बार आप पारायण करेंगे तो आपको अध्ययन हो जाएगा, इसलिए मैं हिंदी को भी आपको लोग को बताता चलता हूँ,
जो है कि संस्कृत शिक्षणम इदम, इदम माने यह सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति। इदम यह विधि कौन, प्रत्यक्ष विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है संस्कृत शिक्षण में, और किसी शिक्षण में नहीं, हिंदी शिक्षण में और मनोविज्ञान के शिक्षण में और जो सामाजिक शिक्षण में ये सभी नहीं, लेकिन संस्कृत शिक्षण में जो आपका ये है प्रत्यक्ष विधि शिक्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बहुत सर्वश्रेष्ठ विधि है, सभी शिक्षणों में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है प्रत्यक्ष विधि को। अगर ये पूछ दिया कि सर्वश्रेष्ठ संस्कृत शिक्षण में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन है, तो आप तुरंत लगाइएगा कि प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगला पॉइंट है अस्मिन मातृभाषा प्रयोग वर्जित, अस्मिन मातृभाषा प्रयोग वर्जित, यानी इसमें जो है इस संस्कृत प्रत्यक्ष शिक्षण विधि में जो प्रयोग है करें जो मातृभाषा का प्रयोग है उसका प्रयोग उस प्रयोग वर्जित है, यानी मना है, वर्जित माने मना है करें। अस्मिन मातृभाषा यानी जो उनकी मातृभाषा होती थी वो जो है उस संस्कृत शिक्षण में उसको वर्जित है, अर्जित माने मना है करें कि संस्कृत शिक्षण में। फिर से देख लेते हैं कि अस्मिन मातृभाषा प्रयोग है, अस्मिन माने इस शिक्षण विधि में, कौन से शिक्षण विधि में, प्रत्यक्ष शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग, जो मातृभाषा का प्रयोग है वर्जित है, यानी उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है, यानी मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित है, निषेध है, अर्थात मना है संस्कृत शिक्षण में। यानी कहने का मतलब है कि अगर संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत में ही वाच्य करिए, संस्कृत में ही पारायण करिए, और संस्कृत उत्तर जो मातृभाषा होती है, जो गांव की भाषा होती है, उनकी मातृभाषा होती है, जो पारिवारिक भाषा होती है, तो उसको उसका प्रयोग करना उसमें वर्जित होता था। किसमें वर्जित होता था, प्रत्यक्ष विधि में। अब पूछ दिया कि मातृभाषा वर्जित है मनी कर किस शिक्षण सूत्र में मातृभाषा वर्जित था, मना था, तो आप जो प्रत्यक्ष विधि का है वो उसमें जो है मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आज के देखिए आज की जो गुरुकुल है शिक्षण जो शिक्षक महोदय शिक्षण कार्य करते हैं, कभी कभी अपने संस्कृत पढ़ाते हैं तो संस्कृत पढ़ाते हैं तो अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले जो था जो नवीन पद्धति थी, जो नवीन शिक्षण विधि थी, अर्वाचीन विधि थी, उसमें जब उसमें शिक्षण कार्य हो रहा था तो उसे जो उसमें मातृभाषा होती थी वो बच्चे शिक्षार्थी का जो मातृभाषा होता था, घर का भाषा होता था, तो उसका जो है शिक्षक उस कक्षा अपने कक्षा कक्षे में प्रयोग नष्ट नहीं प्रयोग नहीं करता था, यानी वर्जित था शिक्षण प्रत्यक्ष विधि में। अब आगे चलते हैं अस विधे आधारे अनुकरणम भवति, यानी इस विधि का आधार है अनुकरणम भवति, यानी अनुकरण होता है अस विधे, यानी इसका करें अस्मिन अस्मि विधे विधेर आधार विधे है विधेर आधार अनुकरणम भवति, यानी इस विधि का जो यही कह रहे हैं कि ये जो विधि है अस विधेर आधार, यानी इस विधि का आधार क्या होता है पाठ पुस्तक, यानी कह रहे हैं प्रत्यक्ष विधि का आधार क्या होता है अनुकरणम में अस्ति, यानी अनुकरण होता है करें अस्मिन विधेर अस्त अनुकरणम भवति, यानी करें अनुकरणम भवति, यानी अनुकरण जो अनुकरण है करें अस विधेर आधार, यानी इस विधि का आधार क्या होता है अनुकरणम भवति, अनुकरण होता है। अगर पूछा जाए श्रवण करें कि अगर ये भी देखा जाए कि जो श्रवण कौशल है उस कौशल की देखा जाए तो उसका आधार भी अनुकरणम भवति होता है, श्रवण कौशल का भी अनुकरणम भवति करें कि उसका भी आधार क्या होता है अनुकरण होता है। अनुकरण मतलब क्या होता जानते हैं, नकल करना, और यहाँ पर अस विधेर आधारा यानी इस विधि का यानी प्रत्यक्ष विधि का आधार क्या होता है अनुकरण होता है। और मातृभाषा अस्मिन विधो नापि बाधक अपितु अस्य निर्बाध सुगमस्य उपाय क्रियते ही। अब इसमें उन्होंने कहा है कि मातृभाषा अस्मिन विधो, ये जो मातृभाषा है इस मातृभाषा का प्रयोग है मातृभाषा इस विधि बाधक नहीं बनने दिया जाता है कि मातृभाषा अस्मिन विधो, ये जो मातृभाषा है इस विधि में ना भी बाधक अपितु,
अनेक अनेक बाधक नहीं बना बनाया जाता है, यानी बाधक नहीं बनने दिया जाता है, बनने नहीं दिया जाता है जो करें कि मातृभाषा इस विधि में बाधक जो मातृभाषा का वर्जित है वो करें कि जो प्रयोग करना नहीं मानी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना है वर्जित है, तो फिर भी उन्होंने नीचे कहा कि मातृभाषा अस्मिन विधो न अपि बाधक अपितु करी मातृभाषा अस्मिन विधो यानी इस प्रत्यक्ष विधि में ना भी बाधक अपितु यानी बाधक नहीं बनने दिया जाता है, लेकिन क्या अपितु लेकिन अस्य भी निर्बाध सुगमस्य उपाय क्रियते ही बाधक नहीं बिना बनाया जा सकता, लेकिन करें कि इस कारण से विधि को निर्बाध या सुगम विधि भी कहते हैं, यानी इस विधि के माध्यम इस बाधक नहीं बने दिया जाता इसी कारण से इसको निर्बाध सुगम यानी निर्बाध विधि और सुगम विधि कहते हैं, यानी कहते हैं और कह रहे हैं कि या तो निर्बाध सुगम उपाय क्रियते हैं यानी निर्बाध और सुगम यानी सरल जो है उस भाषा को क्रियते हैं यानी क्रिया धातु लगा है तो करते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा दें। अस विधे मुख्य उद्देश्य है अस्य विधे मुख्य उद्देश्य अस्य विधे यानी इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अध्ययनस्य भाषा अध्ययनस्य अध्ययनस्य भाषा अवरोधम भाषा अवरोधम न जनितः न जनितः। अब इसमें उन्होंने कहा इस विधि का मुख्य उद्देश्य अध्ययन करा रहे हो उसी भाषा में अध्ययन कराना, करें अस्य विधे मुख्य उद्देश्य है अध्ययनस्य भाषा अवरोधम न जनितः, कहते हैं कि जिस विधि में आप अध्ययन करा रहे हैं उसी करें उसी भाषा में अध्ययन कराना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य होता है जिस विधि में आप अध्ययन करा रहे हैं उसी विधि में यानी कह रहे हैं जिस भाषा में यानी कह रहे हैं अध्ययन करा रहे हैं मुख्य उद्देश्य अध्ययन करा रहे हो उसी भाषा में अध्ययन कराना मुख्य उद्देश्य होता है। प्रत्यक्ष विधि आपका समाप्त हो गया, अब कई प्रश्न इसमें से बनते हैं, आप उसको विचार करिए और कंठस्थ करिए। अब आगे चलते हैं, आप अगला आपका है विश्लेषणात्मक।